नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला
किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए
आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध
परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अब पर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है, जबकि वह अभी भी
इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम,
संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अब पर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अब पर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी अश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, थी यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध
परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, थी यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है, जबकि वह अभी भी
इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथ ही है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथ ही है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू। इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध
परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है, जबकि वह अभी भी
इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध
परिस्थिति के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोषंत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है, जबकि वह अभी भी
इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अब पर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अब पर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रोय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी अश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथी है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में
सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, थी यह मूवी 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटे 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है, जबकि वह अभी भी
इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूप में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर एक डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथ ही है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रीस एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, थी यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष संत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी अश्विन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथ ही है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रेम आलू मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी प्रेम आलू, इस मूवी को डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी को डायरेक्ट किया ग्रीस एडी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और 93% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 7.9 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2 घंटा 36 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको अखिला भार्गवन, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्रम, संगीत प्रताप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 136 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 136 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी, जो सेलम में कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोषंत अपनी सहपाठी अंजलि के अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। अपने घर नगर अलवा वापस जाने के लिए उन्होंने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई है। अपर्याप्त धनराशि के कारण उनका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह 6 महीने बाद फिर से आवेदन करने का एक बार और मौका मिलेगा। इस बीच वह लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेकरी से डिलीवरी में मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जिससे उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि वह अभी भी इस विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। अमल के साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने पर सुझाव दिया। जब वह अपने वीजा के लिए आवेदन नहीं कर लेता और बैकअप के रूम में वीजा फिर से आविष्कार न कर दिया जाना चाहिए, वह सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चल जाता है। हैदराबाद में रीनू रॉय एक किशोर लड़की हाल में एक आईटी कंपनी आशिविन की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां आदि नाम का एक घमंडी व्यक्ति वरिष्ठ डेवलपर है। रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और एक अन्य रूममेट निहारिका के साथ द वेंडरलस्ट में अपार्टमेंट में रहती है। आदि को रीनू पर क्रश है और अपनी बेस्टी और शुभचिंतक होने का दावा करता है। सचिन और अमल एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मदद मिलते हैं, जहां पहले वाले दूल्हे के मेहमान हैं। सचिन और अमल के गेट प्रोफेसर और दूल्हे दुल्हन के मेहमान हैं। दुल्हन श्रावणी कार्यालय में उनकी टीम के साथ ही है। सचिन को रीनू से प्यार हो जाता है और शादी के दौरान वह सभी से दोस्ती हो जाती है। अत्याप्रसिद्ध परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिका के अपने मीनू कपूर में सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको देखने को भी मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।